सागर में निकाय चुनाव के मतदान की रात्रि शासकीय तंत्र का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रलोभन देकर मतदान प्रभावित करने वाली खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं, जिसमें शराब पैसा के साथ मतदाताओं को राशन देकर मतदान प्रभावित करने का आरोप भाजपा पर लगा है। शहर के मधुकर साहबाट की राशन दुकान से देर रात राशन बांटे जाने की बात सामने आई है, तो वहीं किशोर न्यायालय के पास से भी एक ट्रक के माध्यम से राशन वितरित होने का वीडियो सामने आया। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही खबरें लगातार सामने आई हैं। इस मामले में भाजपा जहां निशाने पर है, तो वहीं जिला प्रशासन भी कटघरे में दिखाई दिया, जिसके निष्पक्ष मतदान के दावे पर सवालिया निशान लगे और शिकायत के बाद भी कोई उचित कार्यवाही नहीं होने पर जनता में रोष भी देखा गया। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जबरिया परेशान किए जाने के आरोप भी लगे हैं, जहाँ सुभाष नगर में तो शहर अध्यक्ष रेखा चौधरी की पुलिस टीम के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। देर रात तक सागर के चुनावी पारा चढ़ा रहा और मतदान को प्रभावित करने की शिकायतें मिलती नहीं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जनता के जनादेश को लेकर भाजपा में बेचैनी है और उसे अब जनादेश पर शायद यकीन नहीं, जिसके चलते उस पर प्रशासन तंत्र का गलत उपयोग कर मतदान प्रभावित करने का आरोप लग रहा है। एजेंटों को हाथ लगाएगा, हम हाथ के फेंक देंगे इस बात को, प्रत्याशी भी सुन ले और कोई भी सुन लेंगे। आप चिल्ला रहे हो तो नहीं सुनिए, तो इनसे इतना आसान नहीं कि अपने बच्चों को हाथ लगवाना है। जनता जनार्दन ध्यान रखियो, चुनाव ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखियो, गलत चुनाव न कर लियो। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ठीक है, तो इस चीजों को बुरा नहीं मानना चाहिए, बस हो गया। बांटने में क्या समीकरण मानते हो? पता नहीं अब क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या हमें नहीं है पता। तो चिन्हित करके बांट रहे हैं, किस किस को बांट रहे हैं? बिल्कुल स्वार्थ करके, जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, यादव कॉलोनी बस, यादव कॉलोनी खोले, बाकी कॉलोनी नहीं छोड़ा। किसी को नहीं। अच्छा, कौन कौन सी कॉलोनी छोड़ रहे हैं ये लोग? जैसे क्रिश्चियन कॉलोनी, अपनी मनोरमा कॉलोनी, पूरी पट्टा पड़ी है अपनी में, और जी अपने जी जी। आपको राशन मिल पाया क्या? तो आपको कैसे जानकारी मिली थी कि राशन मिल रहा है? सब लोग आए तो हम भी आ गए। बाढ़ के लोगों को देख के आप आए हैं? रात के 11:30 बजने जा रहे हैं, क्रिश्चियन कॉलोनी राशन की दुकान खुली है, तो किस प्रकार का राशन बट रहा है? पता नहीं, बीजेपी वाले बंटवा रहे हैं, कैसा बंटवा रहा है, हम लोग को तो मिला नहीं है। प्रत्याशी बीजेपी उचित मूल्य की दुकान शासकीय दुकान खुल के राशन बट रहा है, इस पर क्या समीकरण जाता है, आप क्या मानती हैं? अब जी वो बोले कि चोरी से बट रहा है राशन, हम लोग को मिल नहीं रहा है। आप एक किसने सूचना दी कि राशन बट रहा है? मोबाइलों में आई है, मोबाइलों से मैसेज करा गया है, घर घर के राशन बट रहा है, मैसेज भी डाला है। जी जी, आपका क्या मानना है, कैसे राशन बट रहा है? ये गलत है जो हो रहा है, ये एक, 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 एक किसका समीकरण हो सकता है? बीजेपी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं और राशन बटने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, इस वजह मुखबर की सूचना के अनुसार हम लोग यहाँ आए और यहाँ ये माहौल देखो हम लोगों ने, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो क्या आप इसे मानती कुछ? क्या पानी तहसीली के यहाँ भरा हुआ है घरों में, लोगों की यहाँ मनोरमा में किसी के यहाँ पानी? मेरी सागर, मेरी सागर कलेक्टर महोदय से संपर्क, लोगों से बातचीत हुई है, पूरा तीनों चारों एरिया कवर करता, तो उन्हें बताया बाढ़ प्रभावित लोग उसके समीकरण से राशन बांटा जा रहा है ना बोल के, लेकिन बाढ़ प्रभावित सिर्फ तहसील ही नहीं है, बाढ़ प्रभावित पूरा क्रिश्चियन कॉलोनी है, मनोरमा कॉलोनी है। ये राशन बट रहा है, आप इसको क्या मानते हैं? भैया 2 मिनट हमारी भी सुन लो भैया, भैया ये देखो आओ, ये कल हमारे यहाँ पे इनने फ्री की खुदाई करी, सब किया, आज सुबह का बोला कि सुबह हमारी नल जोड़ेंगे, आज तक नहीं जोड़ा है, अब कह रहे हैं कल जोड़ेंगे, घर में पीने को पानी नहीं है, कल ना खोद के गए हैं, हम कहाँ से करें? आओ आप यहाँ देख लो, आज अनुराधा बीजेपी के प्रत्याशी खड़े थे, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था यहाँ पे,
पानी सब जगह गिरा है और सब जगह है ना सर्वे होना चाहिए, जबकि सिर्फ तहसील वालों को बुलाया गया है। यहाँ गेहूँ बटने का कंट्रोल खुला है रात में, ये कौन सा टाइम है कंट्रोल खुलने का? हाँ ये कौन सा टाइम है? ये गलत है, ये गलत है। अभी पुलिस वाले आए थे और आके जा भी चुके हैं। भैया कलेक्टर का आदेश था। हाँ। राशन कंट्रोल किसका है, नाम बताइए। अनिल पीपरा, बुलाया जाए उसको, वो कंट्रोल बंद करके भाग गया है। जैसे ही हम लोग आए मधुकर शाहबाड़ में तीन क्रिश्चियन कॉलोनी और मनोरमा, सिर्फ जबकि तहसली वाले यहाँ थे, मनोरमा क्रिश्चियन कॉलोनी वाले यहाँ कोई नहीं था, तहसली में ही सिर्फ पानी भरा गया है।